सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों 2024 की दो बड़ी मूवीज जिसके लिए ऑडियंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन दोनों मूवीज़ के लिए ऑडियंस की जो हाइप लेवल है, एक्साइटमेंट लेवल है, काफ़ी हाई तरीके से देखने मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2024 की मच अवेटेड मूवी मैदान एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ। दोनों मूवीज से रिलेटेड काफ़ी तगड़े काफ़ी भौकाल वाली अपडेट निकल के आई है। बात करेंगे सारे अपडेट के बारे में। आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, तब भी तो दोस्तों आपको दो बड़ी मूवी के क्लैश का लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट इसी चैनल पे देखने मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े मियां छोटे मियां से रिलेटेड अपडेट के बारे में। यानी कि इनकी एक और पोस्टर लॉन्च कर दी गई है, यानी कि इनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पोस्ट देखने मिला जहां पे देखने मिलता है पृथ्वीराज शिवकुमारन एज अ विलन। काफी तगड़े तरीके की पोस्टर देखने मिलती है, एज अ एडिटिंग टाइप का हमें पोस्टर देखने मिलता है, मास्क मैन के जैसा पोस्टर देखने मिलती है। सेकेंड अपडेट के बारे में अगर बात करें तो दोनों मूवी की एडवांस बुकिंग ओवरसीज के अंदर स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जहां पे बात करें तो बड़े मियां छोटे मियां का एडवांस बुकिंग ओवरसीज के अंदर दो दिन पहले से ही स्टार्ट हो गई है, लेकिन साथ ही में बात करें तो मैदान मूवी की भी एडवांस बुकिंग ओवरसीज के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे जर्मनी, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वहीं पे बात करें तो जो अपडेट दिया था उसके अंदर जो एडवांस बुकिंग था बड़े मियां छोटे मियां का, वो हमें यूके और पुर्तगाल जैसे कंट्रीज के अंदर बुकिंग देखने मिल रही थी। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर थर्ड अपडेट के बारे में बात करें तो दोनों मूवीज का जो अपडेट निकल के आ रहा है या फिर दोनों मूवी का जो प्रमोशन लेवल देखने मिल रहा है, आगे पीछे देखने मिल रहा है, यानी कि जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रही है वही मैदान कर रहा है, या फिर बात करें तो जो मैदान कर रहा है वही बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रही है। यानी कि अगर बात करें तो दोनों मूवीज की IMAX वाली जो पोस्टर है वो लॉन्च हो गई है, रिलीज कर दी गई है। लेकिन दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट चीज आपको बताऊं तो दोनों मूवीज के जो IMAX वाली पोस्टर है वो वन ऑफ द बेस्ट पोस्टर है। यानी कि अब तक जितनी भी पोस्टर आई है उससे काफी अच्छा, काफी बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट करती हुई ये पोस्टर दोनों मूवीज की नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों बात कर लें दोनों मूवी के क्लैश के सेल्फ प्रिडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, जो हाइप लेवल है, एक्साइटमेंट लेवल है, वो बड़े मियां छोटे मियां के लिए काफी ज्यादा देखने मिल रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से बड़े मियां छोटे मियां का पोस्टर लेके आ रहे हैं, वहीं पे बात करें तो जो प्रमोशन का लेवल देखने मिल रहा है और जो ट्रेलर रिलीज की गई थी वो टाइम पे जो निगेटिविटी देखने मिल रही थी, जो प्रोपोगेंडा देखने मिल रही थी, ट्रोल देखने मिल रहा था, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है और किसी के भी यूट्यूब पे या फिर रिव्यू पे अब कोई भी अपडेट देखने नहीं मिल रही है ट्रोल से रिलेटेड या फिर बात करें तो निगेटिविटी से रिलेटेड। यानी कि दोस्तों मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर देखा, उसके बाद जो बड़े बड़े यूट्यूबर है जो रिव्यू करते हैं उनका जब मैं रिव्यू देखा इसके ट्रेलर का, तो बोला भाई साहब ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये किस हिसाब से इतनी निगेटिविटी कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं, क्या कमी है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके हाई लेवल की प्रमोशन की वजह से, हाई लेवल की पोस्टर रिलीज की वजह से ये सारी चीजें पॉजिटिविटी में बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर कलेक्शन के क्लैश के बारे में बात की जाए तो काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैदान मूवी पे भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। नहीं दोस्तों, दोनों मूवी जो है, दोनों मूवी के जो कॉन्सेप्ट है काफी डिफरेंट है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसके अंदर हमें जबरदस्त तरीके की रियल एक्शन देखने मिलने वाली है, यानी कि उनके पोस्टर पे भी लिखा हुआ है रियल एक्शन तो अब शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे बात करें तो मैदान मूवी जिसके अंदर तगड़े तरीके के इमोशंस देखने मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे आपको एक चीज बता दूं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ कहीं ना कहीं तगड़ी और कंटिन्यूटी के साथ साथ हाई स्पीड वाला कलेक्शन करते हुए नजर आ सकती है, लेकिन मैदान मूवी दोस्तों काफी लंबे समय तक थिएटर्स के अंदर टिक के कमाते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैदान मूवी थिएटर्स के अंदर लंबे रेस के घोड़े के जैसे काफी तगड़े तरीके से कमाई करती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और देखने मिल रहा है कि अक्षय कुमार सर जो है वो इस मूवी के लिए काफी जोरों शोरों से मेहनत किए हैं, काफी ज्यादा समय दिए हैं, काफी ज्यादा एफर्ट दिए हैं और उसके हिसाब से ये सारी चीजों को ध्यान में देते हुए इनके जो फैंस हैं वो भी काफी सपोर्ट करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, काफी सपोर्ट के साथ नजर आ रहे, प्लानिंग कर रहे हैं कि मूवी को कब देखने जाएंगे, कैसे देखने जाएंगे, किस तरीके से प्रमोशन करेंगे, ये सारी चीजें हमें काफी जबरदस्त तरीके से काफी सपोर्ट के साथ फैंस के तरफ से देखने मिल रही है। बस दोस्तों यही अपडेट था मैदान मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, छोटी से छोटी लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान मूवी से रिलेटेड लेके आते रहेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।